तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास MI का फोन है और ये है Redmi 4। इसका मॉडल नंबर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, Redmi 4 का ये मॉडल है और इसके अंदर में जो है MI अकाउंट लगा हुआ है। इस मोबाइल को अगर हम ऑफ भी करना चाहेंगे तो ये मोबाइल ऑफ नहीं होगा, फिर से ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें MI अकाउंट मांगा जा रहा है, ठीक है, पासवर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस मोबाइल का आज हम जो है MI अकाउंट अनलॉक करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इसका MI अकाउंट अनलॉक कैसे करना है आपको। तो MI अकाउंट अनलॉक करने के लिए आपको, अगर आप इस मोबाइल को अगर आप फास्ट बूट से अगर आप अनलॉक करेंगे तो नहीं होगा, या ADB मोड से आप इसका MI अकाउंट अनलॉक करेंगे तो नहीं होगा। ये मोबाइल जो अनलॉक होगा सिर्फ EDL मोड के जरिए से अनलॉक होगा। तो दोस्तों EDL मोड लाने के लिए आपको पहले मोबाइल का जो ये कवर देख रहे हैं, इस कवर को आपको निकाल देना होगा, इस ढक्कन को आपको पहले रिमूव कर देना होगा इस मोबाइल से। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल का जो ढक्कन है पहले हम निकाल देते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो है तरीका क्या है, कैसे इस मोबाइल का EDL मोड लाया जाएगा अपने कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में और इसका MI अकाउंट कैसे अनलॉक किया जाएगा। तो पहले हम आपको इसका ढक्कन निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ढक्कन हमने रिमूव कर दिया है और इसके बगल में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट का जो यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, इसको बहुत ही प्यार से आपको निकाल देना होगा, क्योंकि अगर ये बेल्ट कट गया तो नुकसान हो सकता है। तो आप इस बेल्ट का जो यहाँ पे देख रहे हैं ये, इसे आपको निकाल देना होगा चिमटी से और आराम से प्यार से आपको निकाल देना होगा। ढक्कन आप साइड में रख दें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर जानना चाहते हैं कि इसका MI अकाउंट कैसे अनलॉक होगा तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जो ये कवर है, जो IC के ऊपर में जो कवर लगा हुआ है, इसको भी जो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका EDL मोड लाना है। तो EDL मोड लाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को आपको रिमूव करना होगा, बैटरी कनेक्टर को आपको निकाल देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा के बगल में यहाँ पे दो गो टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है इस मोबाइल का, तो ये दोनों टेस्टिंग पॉइंट आपको जो है चिमटी से शॉर्ट करना है और डाटा केबल आपको लगा देना है। अब बैटरी कनेक्टर निकाल करके आपको ये चिमटी से शॉर्ट करना है, डाटा केबल लगाना है, और फिर भी अगर EDL मोड नहीं आता है तो आपको डाटा केबल लगा देना है, चिमटी से कंटिन्यू शॉर्ट करके आपको रखना है और ऑटोमेटिक आपके डिवाइस मेजर में EDL मोड आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे EDL मोड ले आया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर के डिवाइस मेजर में EDL मोड शो कर रहा है। तो चलिए इसे अनलॉक करने के लिए, इसका MI अकाउंट अनलॉक करने के लिए हम अपने मेडिकल टूल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल टूल ओपन हो चुका है और हमारे डिवाइस मेजर में यहां पे QD लोडर 9008 यहां पे शो कर रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि QD लोडर 9008 यहां पे शो कर रहा है। उसके बाद चलिए हम आपको यहां पे दिखाना चाहेंगे कि आपको करना क्या है, कि आपको यहां पे क्वालकॉम टूल को सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद यहां पे पोर्ट पे क्लिक करके आपको QD लोडर 9008 आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप यहां पे बगल में देख रहे हैं सबसे लास्ट में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक कर देना है आपको। और यहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे Redmi 4X आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है, मॉडल नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको MI अकाउंट पे चेक लगा देना है। उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर यहां पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहां पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का यहां पे MI अकाउंट जो यहां से अनलॉक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं अभी उस मोबाइल को, जिस मोबाइल को अभी हमने उसका ढक्कन ओपन किया था और EDL मोड लाया था, उस मोबाइल को अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि उस मोबाइल का जो MI अकाउंट रिमूव हुआ है कि नहीं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देख लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी आप MI अकाउंट को रिमूव करेंगे तो बीच में आपका केबल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो MI अकाउंट यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो चलिए हम उस मोबाइल को अब ऑन करके देख लेते हैं कि उस मोबाइल का जो MI अकाउंट जो है वो अनलॉक हुआ है कि नहीं। चलिए हम इस मोबाइल को ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लें, मोबाइल को हम ऑन करके आपको दिखा रहे हैं, आप पूरा वीडियो को देख लें और आपको समझ में आ जाएगा कि MI अकाउंट जो है अनलॉक हुआ है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑन होने में मोबाइल को थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा वेट कर लें।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोबाइल को हमने ऑन किया, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से ही यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ देर थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा, ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ से ये जो एमआई अकाउंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल का एमआई अकाउंट हट चुका है, मोबाइल के अंदर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।